की सभी विभागों में आपने तस्वीर लगाई, मगर मैं कहना चाहता हूं तस्वीर के साथ साथ अगर आप इस बंगले को बड़ा कर दोगे तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई कार्य हो नहीं सकता। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे। एक बात बहुत अच्छी है, पिछली मीटिंग में कहा कि इस बंगले का क्या होगा, एक कबूतर खाना बन जाएगा। बहुत सही बात, मैं क्रांतिकारी शब्दों को प्रणाम करता हूँ। ये सही बात है कि एक कबूतर खाना बन जाएगा। यदि इसका एक्ट नहीं बना तो कुछ भी इसका महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं, अपने क्रांतिकारी साथियों से कहना चाहते हैं, शीघ्र से शीघ्र जितनी भी जल्दी से जल्दी हो सके इस भारत के सरकारों को यह सोचना होगा कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बंगले को और राजमंत्री का दर्जा दे। इसके लिए विजय प्रेमी चाहे कहीं भी जैसी भी जरूरत पड़े हम उनके साथ रहेंगे। मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी दो लाइन की बातों में कहूंगा, ये मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा वे सहारों के बुद्ध के वो दुलारे हैं, सहारा वे सहारों के बुद्ध के वो दुलारे हैं, समझ कर तुम फलक इतना मुझे तस्लीम ना करना, भीम जितने हमारे हैं भीम उतने तुम्हारे हैं, भीम जितने तुम्हारे हैं। मैं केजरीवाल जी से कहूंगा, आप दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप चाहेंगे तो इस एक्ट को शीघ्र से शीघ्र हाँ इसको करा सकते हैं। हम सब लोग अपनी कोठी आप दे सकते हैं। मैं आपसे ये निवेदन और इस पूरे दलित समुदाय की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि इस कार्य को शीघ्र से करें। इससे बड़ा पुण्य का काम आपका पूरे जीवन में हो नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूं, आपको पता नहीं है इस भारतवर्ष है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं। हिंदू चलता है गीता और भागवत से और मुसलमान चलता है कुरान से, ईसाई चलता है बाइबल से और सिख चलता है भाई ग्रंथ से। जिस स्थान पर ये चारों समुदाय के लोग रहते हैं उस समुदाय जिस स्थान पर ये चारों लोग रहते हैं उस स्थान का नाम है भारतवर्ष। ये भारतवर्ष चलता है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से। इसलिए इस संविधान की रक्षा करना, इस संविधान के बनाए हुए कानूनों से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ ऐसे मौके पर आप सभी लोग इन मांगों को लेकर के शीघ्र से जो भी व्यवस्था होगी हम आगे चलेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि मेरी बड़ी हुई दाढ़ी के तू जाफे को ना देख, मेरे खत को पढ़, मेरे लिफाफे को ना देख। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा।